तो दोस्तों ब्लैक क्लोवर का चैप्टर 282 भी रिलीज हो चुका है एंड इस चैप्टर में आस्था अपने डेविल यूनाइट मोड को यूज करेगा एंड उस एंशिएंट डीमन से बैटल करेगा। एंड इस वीडियो में मैं ब्लैक क्लोवर के चैप्टर 282 का रिव्यू करूंगा, इसके साथ ही पूरा चैप्टर भी कवर करूंगा एंड एक्सप्लेन भी करूंगा। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ आस्था और एनिमल ब्लैक एक्स में आपका स्वागत है। तो चलो दोस्तों चैप्टर 282 को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि वो एंशिएंट डीमन एक बहुत पावरफुल अटैक करने वाला है, पर तभी वहाँ आस्था आ जाता है और वो लीवे को बोलता है चलो चले लीवे डेविल यूनियन। एंड देन हम लोग देखते हैं कि आस्था उस एंशिएंट डीमन के अटैक को इतने आसानी से रोक देता है कि वो एंशिएंट डीमन का अटैक कुछ है ही नहीं। एंड इसे देख के क्लोर किंगडम के लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं एंड डैनमेशियस सोचता है आस्था ने इस अटैक को इतने आसानी से कैसे रोक दिया। एंड देन हम लोग देखते हैं यूनो और जेनॉन को, और यूनो जेनॉन को बोलता है तुम्हारी बदकिस्मती है आस्था पहले ही क्लोर किंगडम में आ चुका है। एंड देन इसके बाद जो होता है उसे देख के आप लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाओगे बिकॉज अब आता है आस्था का डेविल यूनियन मोड। एंड ये मोड ऐसा दिखता है और दोस्तों ये मोड मुझे कुछ ज्यादा ही औसम लगा। एंड डेविल यूनाइट मोड यूज करने के बाद लीपे आस्था को बोलता है हमारा यूनाइट मोड अभी सिर्फ 5 मिनट तक रहेगा, तो जो करना है वो इन 5 मिनट में कर लो। एंड देन आस्था लीवे को बोलते हैं ठीक है हम लोग इसे जल्दी से हरा देंगे, और ये बोल के आस्था उस एंशिएंट डीमन पर अटैक कर देता है। एंड आस्था के इस मोड को देख के क्लोवर किंगडम के लोग बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं ये क्या हो रहा है। एंड आस्था रिप्लाई देता है सिर्फ देखते रहो कि मैं कैसे इस कंट्री को प्रोटेक्ट करता हूँ, वो भी एक डीमन के साथ मिलके। एंड आस्था के यूनाइट मोड को देख के क्लोवर किंगडम के कुछ लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है और वो लोग समझते हैं कि आस्था और वो एंशिएंट डीमन इस कंट्री को डिस्ट्रॉय करने आया है। पर तब मारियो और रेबेका लोगों को बताते हैं कि वो आस्था है और आस्था हमारे कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए आया है। एंड नुजल का भाई आस्था को देख के सोचता है डैम लोअर क्लास वाले लोगों से मदद लेना पड़ रहा है। एंड दोस्तों यहाँ पास मुझे एक चीज समझ नहीं आया, मतलब दोस्तों ये रॉयल लोग उस एंशिएंट डीमन को रोक नहीं पा रहे हैं और जब आस्था कंट्री को प्रोटेक्ट करने आए हैं तो इनको परेशानी हो रहा है, मतलब कुछ भी। और फिर विमोसा का भाई बोलता है डिस्गस्टिंग ये मेरे टेस्ट का नहीं है पर तब भी ये ब्यूटी है। एंड सोल आस्था को देख के बोलती है किसने सोचा था कि वो लड़का इतना इलॉजिकल काम करेगा। एंड सोल ऐसा इसलिए बोलती है क्योंकि आस्था एक डीमन के साथ काम कर रहा है। एंड यहाँ पास क्लॉस आस्था को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है आस्था तुम ये कर सकते हो इसलिए नहीं क्योंकि तुम डेविल पोजेस्ड हो, इसलिए क्योंकि तुम एक ट्रू मैजिक नाइट हो। एंड आस्था उस एंशिएंट डीमन पर अटैक करने वाला होता है कि जूलियस उसे देख के सोचता है इस डीमन के पास बहुत ही ज्यादा मैजिक पावर है और ये किसी भी मैजिक को रिफ्लेक्ट कर सकता है, पर ये एंटी मैजिक है और इसलिए वो डीमन इसे ब्लॉक नहीं कर सकता। एंड देन आस्था उस एंशिएंट डीमन के ऊपर बहुत सारे लिटल अटैक्स कर देता है एंड उस एंशिएंट डीमन को आस्था सर से काट देता है और वो एंशिएंट डीमन हार जाता है। एंड अब क्लोर किंगडम के लोग बहुत ही ज्यादा खुश जाते हैं, खास करके जूलियस। एंड आप लोग जूलियस को तो देख ही सकते हो कि वो कितना ज्यादा खुश है। एंड देन आस्था के कान में अचानक से कोई आके बोलता है नहीं ये बहुत खतरनाक है। एंड आस्था बहुत ही ज्यादा एस्टोनिश हो जाता है और जो आस्था को कान में आके बोलता है ये बहुत खतरनाक है वो रहता है नैट का डीमन। एंड अब नैट का डीमन आस्था को स्पेट किंगडम का सिचुएशन बताता है कि अगर स्पेट किंगडम में ऐसा ही चलता रहा तो सर नैट, और यहीं पास वो रुक जाता है और आस्था उसे बोलता है ठीक है चलो स्पेट किंगडम को इन्वेड करते हैं। एंड देन चैप्टर एंड हो जाता है। आई नो ये बहुत ही ज्यादा छोटा चैप्टर था पर इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता और आप भी कुछ नहीं कर सकते। एंड यार ये चैप्टर भी बहुत कमाल का था। एंड दोस्तों अब बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में एंड इसके साथ ही इस चैप्टर को लेकर मेरे रिव्यूज क्या है। तो देखो दोस्तों इस चैप्टर में मुझे एक चीज बहुत पसंद आया और वो है कि हम लोगों को आस्था का डेविल यूनाइट मोड देखने को मिला। एंड मैंने पिछले चैप्टर में भी कहा था कि हम लोगों को चैप्टर 282 में आस्था का डेविल यूनाइट मोड देखने को मिलेगा एंड वो सच हो गया, तो इसलिए अब मैं आप लोगों को चैप्टर 283 एंड 284 के बारे में कुछ बताता हूँ। तो देखो दोस्तों मुझे लगता है कि चैप्टर 283 या 284 में से कोई एक चैप्टर ब्लैक क्लोवर की हिस्ट्री का बेस्ट चैप्टर होने वाला है बिकॉज अब आस्था स्पेट किंगडम में जाएगा अगले चैप्टर में और फिर वहां लड़ाई करेगा, तो बहुत मजा आने वाला है उस चैप्टर में देखने में हम लोगों को। एंड दोस्तों आस्था का जो डेविल यूनाइट मोड है उसे देख के तो मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुआ था बिकॉज मैं आस्था और लिवे को यूनाइट मोड यूज करते हुए देखना चाहता था कब से। एंड दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना एंड सभी ब्लैक क्लोवर फैंस के साथ इस वीडियो को शेयर करना। एंड या मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलना @animeblackx में। एंड अगर आप लोगों को मेरे से कुछ पूछना है या बात करना है तो आप लोग इंस्टाग्राम में मैसेज कर देना। एंड लास्टली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड अरिगातो गोज़ाइमासु।